स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपने मुझे बुलाया दादाजी? तो ब्याह हो जाएगा था। एक बात जान ले, हम सब लोग थारे को बहुत प्यार करें हैं। थारे वास्ते हमारे मन के भाव कभी कम ना होंगे। अरे तू खुश रह कर, चिंता ना किया कर, अपनी सारी जिम्मेदारी मजे से संभाल। हम हैं। अरे तू ब्याह करके हम सब लोगों का कितनी खुशी दे रहा है जाने ना है। अरे हम तो हो गए बूढ़े, और क्या चाहेंगे सिवाय इसके कि अपने पोता पोती की किलकारियां सुने, गोदी में खिलाए उन्हें। क्यों सच्ची बात बोली ना? जा बेटा, कहे ना कि अकेले में मिलने का मन करे था, सो भुला लिया तने। राधे कृष्ण, हमारे मुन्ना को हमेशा खुश रखना, सारी खुशियां उसे दे दे। तू पकड़ा गया। ये, ये। ये यार। चलो अभी मैं बहुत बोर हो गया, कुछ दूसरा गेम खेलते हैं। वाह, मोबाइल रख दे, दादा आकर डांटेंगे। अरे देखने देना, कितना अच्छा है। मुझे भी दिखाओ ना, दिखाओ ना प्लीज, मुझे भी दिखा, दिखा ना। अरे बहुत हो गया, ये मैंने लिया था। अरे ये क्या हो रहा है? सेंडिंग मैसेज। तूने मैसेज भेज दिया। मैंने कुछ नहीं किया। फोन तो तूने ही उठाया था ना, क्या जरूरत थी? अब तुझे डांट पड़ेगी। सही है, ठीक से देखिए ना बेटा, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये फिटिंग ठीक है। चल फिर वर्षा, ये सारे ब्लाउज इसके रख दिया, और ब्लाउज साड़ी के साथ लगा कर रखना, समय बहुत कम है, एक भी ब्लाउज नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी ठीक। और तू थोड़ा आराम कर ले, रस्मों के लिए रात भर जागना है ना, थक जाएगी। अरे वर्षा तू भी तो थक जाएगी ना, आजा थोड़ी देर लेट जा। फिर पता नहीं कब
बस बस आगे और कुछ नहीं। अरे मैसेज दिखा, ब्लैंक मैसेज। उन्होंने तुझे ब्लैंक मैसेज क्यों भेजा? तू नहीं समझेगी। अब क्या होगा? दादा आकर डांटेंगे। पर मैंने ये मैसेज नहीं भेजा था, ये अपने आप हो गया। दिखा दिखा मुझे दिखा, मैसेज है इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। नया खेल। बता बता, मैं भी एक प्लान मैसेज भेजूंगा। ये क्या? ये! अब मुझे भी दिखाओ ना। मत खेलो, दादा आकर डांटेंगे। अरे छोड़ो ना, उनको कैसे पता चलेगा? अब मेरी बारी। मैंने भी भेज दिया। ये! अब मेरी चांस। देखो तुम सब खेल रहे हो, कोई मेरा नाम मत लेना। हाँ हाँ, कोई किसी को नहीं फंसाएगा। मैंने भी भेज दिया। ये! अब लो, मैं भी भेजता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा फोन? इधर दो। मैंने कहा था ना कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। इधर दो। इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं आने देता। चलो जाओ ऐसे। आउट। चलो। दिया क्या? हाँ, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो तू मुस्कुरा क्यों रही है? तू नहीं समझी। ओहो, उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया और मैंने समझ लिया। कैसे? देख, उन्हें मेरा लेटर मिल गया है ना, इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है। ब्लैंक एसएमएस का मतलब यही हुआ ना? हाँ, और अगर वो चाहते तो कुछ लिखकर भी भेज सकते थे, पर नहीं लिखा, क्योंकि नजरों से जो बातें इशारों में हो सकती है ना, उसके लिए हम शब्द क्यों ढूंढे? ये जो जवाब दिए उन्होंने समझ लिया होगा। हाँ, हमने एक दूसरे के मन को पढ़ लिया। सच? हाँ, देख, उन्होंने मुझे ब्लैंक एसएमएस भेजा कि उन्हें मेरा लेटर मिल गया है। फिर मैंने वापस जवाब में एसएमएस भेजा कि क्या वो मुझसे अब भी नाराज है? तो फिर उन्होंने वापस रिप्लाई किया, नहीं। फिर मैंने एक और मैसेज भेजा कि क्या वो मेरे प्यार को समझ सके हैं? फिर उन्होंने क्या कहा? यही कि क्या मैं उनके प्यार को समझती हूँ। और तूने उनसे कह दिया? हाँ। हाँ। कितनी अनोखी बातचीत है ना, पर हमेशा ये सही होती है। ये मन से मन का रिश्ता जो है, इसके लिए ना हमें किसी शब्द की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी आवाज की। ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। पढ़ ले, बार बार पढ़। अच्छे कोड वर्ड्स बनाए हैं।
तुम दोनों के दिल की बात सिर्फ तुम दोनों ही समझ सकते हो और कोई नहीं। शायद यही प्यार है। क्या कहो दोबारा बोल। यही कि मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ अक्षरा। अरे क्या बात है, बहुत चहक रही हो दोनों। दादी अरे अरे देखा दादी, इस निर्लज्ज दुल्हन को अपनी शादी के दिन कैसे खुशी से नाच रही है, कूद रही है। चुपचाप सर झुका कर बैठ जा। अब तू नानी माँ की तरह रोक टोक लगाना बंद कर। बेटा पर आज ऐसी क्या बात हो गई जो नानी जी किसी से बातचीत ही नहीं कर रही। बड़ी बहू ने भी कितनी बार पूछा पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। विशंबर भी इतना परेशान हो रहा है। बेटा वजह समझ ही नहीं आती कि वो अचानक ऐसे चुप क्यों हो गई। क्या माँ क्या हुआ, आप बताएंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अच्छा बस इतना बता दीजिए किससे नाराज है। माँ कोई भूल हुई है क्या हमसे, कोई रीत कोई रस्म छूटी है क्या हमसे। माँ देखिए माँ आज हमारी अक्षरा का ब्याह है और हम नहीं चाहते कि इस मौके पर हमारे घर में दुख की परछाई भी आए। जिससे भी गलती हुई हो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। आप हमें क्षमा कर। नहीं बाबूजी। गलती तो मुझसे हुई है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नानी माँ मुझे माफ कर दीजिए। शौर्य क्या हुआ, क्या किया है तूने, क्यों माँ किसी से बात नहीं कर रही है। हाँ अक्षरा की विदाई करके मैं चली जाऊंगी तुरंत। अरे समधन जी, अरे यहाँ हमारा रहना किसी को पसंद नहीं है, हमारे रहने से यहाँ पे सबको तकलीफ होती है, तो फायदा क्या रहने का। शौर्य बहुजी वो नानी माँ दादो इतने सारे कामों के बीच झुंझला गए थे इसीलिए आपको थोड़ा गुस्से में जवाब दे दिया। अक्षरा लेकिन ये तो कोई वजह ना हुई ना कि मैं अपनी प्यारी सी नानी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करूं। किस बात पे बेटा, वो गलती से चांदी की वरक लगी हुई मिठाई आ गई। समधन जी हम वो सारी मिठाई हटा देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस नानी आप मुझे माफ कर दीजिए। ना माफी तुम मन में मांगनी है तुम लोगों से, सब पर रोक टोक लगाती हूँ ना, अब ना करूंगी। अरे मारा क्या है, अपनी परंपरा लेकर अपने साथ ही चली जाऊंगी। तुम लोग दुनिया को अपने तरीके से चलाते रहना। आप तो दुनिया की सबसे अच्छी नानी माँ है ना, आपका तो हक बनता है हमें रोकने टोकने का, हमें सही रास्ता दिखाने का, हम गलती करें तो हमारा कान खींचने का मारने का, पर आप हमें ऐसी सजा मत दीजिए। I'm sorry, नानी माँ। अरे नाना आज से मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, और वैसे भी बोल के फायदा क्या है, कोई सुनता है मारी। अपने ही बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती होना इससे तो मर जाना अच्छा है। अरे समधन जी तो ठीक है नानी माँ, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगी मैं आपके चरणों में ही बैठा रहूंगा बस। और मैं भी
हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी प्यारी सी नानी माँ को तकलीफ पहुंचाएंगे या नाराज करेंगे, जिन्होंने हमें इतनी अनोखी जादू भरी कहानियां सुना सुनाकर हमारी छुट्टियां बताई हैं, जो महाप्रसाद से बताशे बचाकर बिस्तर में हमें छुप छुप कर खाने को दिया करती थी, जिन्होंने मेरी अंग्रेजी गुड़िया टूटने पर अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े की गुड़िया बनाई थी, जिन्होंने बारिश में कंचे खेलते अपने नाते को उसकी माँ की डांट से न जाने कितनी बार बचाया। प्यारी सी नानी ना होती ना दादू तो मुझे इतने सुंदर सुंदर भजन कौन सिखाता? अक्षरा, रामायण और महाभारत के किस्से कौन सुनाता? हमारे सिर पे हाथ रख के हमारी गलतियों को कौन माफ करता? नानी, सॉरी नानी, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।